खांस को भाया पीएम मोदी का काम, मोदी के लिए खांस करेंगे बड़ा काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से लेकर इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली। लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जीतने के सपने देख रहा है और दावा कर रहा है कि वो इस बार जीत रहा है। वहीं इन सबसे अलग हर बार देखा गया है कि चुनावों में बॉलीवुड हस्तियां अपनी पसंदीदा पार्टी का प्रचार करती हैं, या यूं कहें कि चुनाव के दौरान कई राजनीतिक पार्टी हस्तियों को अपना स्टार प्रचारक बनाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लुभा सके और उन्हें भुना सके। अक्सर देखा जाता है कि फिल्मी हस्तियां जिस पार्टी को सपोर्ट करती हैं उनके फैंस भी उसी पार्टी का समर्थन करते हैं। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बॉलीवुड के खांस भी बीजेपी के स्टार प्रचारक बन सकते हैं। पीएम मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करेंगे खांस। बता दें कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान भी अब पीएम मोदी के फैन हो चुके हैं। मोदी का विरोध करने वालों की कमी नहीं है। विपक्ष हर दिन पीएम मोदी को कोसने लगता है। मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का एक गठन किया। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख, आमिर और सलमान पीएम मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम करने वाले हैं। ये सभी जानते हैं कि शाहरुख खान बीते काफी टाइम से पीएम मोदी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। जहां विपक्ष मोदी को कोसने में लगा हुआ है, वहीं शाहरुख खान ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। बता दें कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तभी शाहरुख खान ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। शाहरुख खान ने कहा था, उन लोगों के लिए कितना शानदार नया घर है जो हमारे संविधान को कायम रखते हैं, इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने लोगों की विविधता की रक्षा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। नए भारत के लिए एक नया संसद भवन, लेकिन भारत की महिमा की सदियों पुराने सपने के साथ जय हिंद। वहीं जब G20 के सफल आयोजन के बाद पूरी दुनिया में भारत की कूटनीतिक जीत की तारीफ हो रही थी, तब भी शाहरुख खान ने पीएम मोदी की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए थे। शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की G20 अध्यक्षता और एक साथ चलते हुए पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए बधाई। ये भारतीय के दिल में सम्मान और गर्व का भाव भरने वाला पल है। सर, आपके नेतृत्व में हम अकेलेपन से संघर्ष करते हुए नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। शाहरुख खान के अलावा आमिर खान भी पीएम मोदी द्वारा किए गए कामों की तारीफ कर चुके हैं। आमिर ने कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात की भी तारीफ की थी। आमिर ने पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को बेहद ही ऐतिहासिक बताया था। आमिर ने एक बातचीत में कहा था, पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। देश के लीडर होने के नाते उनका काम काबिले तारीफ है। पीएम मोदी ने दिखाया है कि कम्युनिकेशन से लोगों को रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है। वो लोगों को बताते हैं कि आपका नजरिया क्या है, फ्यूचर में लोगों का सपोर्ट कैसे हासिल करना है। मन की बात में ऐसे महत्वपूर्ण चीजों पर बात होती है। ये प्रधानमंत्री का बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आमिर खान और शाहरुख खान से पहले सलमान खान भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। बता दें कि साल 2014 में जब सलमान खान फिल्म जय हो का प्रमोशन करने पहुंचे थे, तब उस दौरान सलमान खान ने अहमदाबाद में मोदी जी के साथ मुलाकात की थी। साथ ही सलमान ने मोदी जी के साथ पतंग भी उड़ाई थी और उनकी तारीफ भी की थी। बता दें कि ये वो टाइम था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस दौरान सलमान ने मोदी जी को अच्छा व्यक्ति बताते हुए कहा था कि वो गुजरात में बढ़िया विकास कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के तीनों खांस भी अब पीएम मोदी के फैन हो गए हैं। 2024 के चुनाव में पीएम मोदी का साथ देंगे खांस।
बता दें कि जिस तरह से खान्स पीएम मोदी के काम की तारीफ कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार ये तीनों मोदी के स्टार प्रचारक बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को बीजेपी के पक्ष में कर सकते हैं। खान्स का प्रचार पीएम मोदी की जीत में अहम योगदान साबित हो सकता है। सलमान, शाहरुख और आमिर के फैंस भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। खैर, ये तीनों लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसने सलमान, आमिर और शाहरुख खान को उनका फैन जरूर बना दिया। वैसे आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।